नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी के एक नए गेमिंग कैबिनेट की, जो कि है आपका 1612BB। इस मॉडल के आज हम इसमें अनबॉक्सिंग करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, इसकी डिटेल्स के बारे में और क्या क्या हम इसमें फिट कर सकते हैं, मीन्स इसके स्लॉट्स के बारे में। ये सारी जानकारी हम वीडियो में आगे देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हमने कैबिनेट को बाहर निकाल लिया है। ये इसका फ्रंट पैनल है, इसमें ये RGB LED दी गई है। इसके टॉप पैनल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का बटन है, ये रिस्टार्ट का बटन है और ये आपका माइक और हेडफोन के लिए है। और तीन इसमें USB दिए गए हैं, एक 3.0 USB और दो 2.0 USB दिए गए हैं। फ्रंट पैनल में अगर एयर फ्लो की बात करें तो आप ये अगर देख सकते हैं, या साइड में स्पेस दिया गया है एयर फ्लो के लिए। ये एक ही साइड है, दोनों साइड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ही दिया गया है, यहाँ पे स्पेस बनाया गया है एयर के लिए। हाफ साइड पैनल है इसमें, इसको खोलते हैं साइड पैनल को। इसके अंदर आप फ्रंट में दो फैन 120mm के फिट कर सकते हैं। इसमें DVD राइटर का स्लॉट दिया गया है, लेकिन इसके फ्रंट पैनल में DVD राइटर का स्पेस ना होने की वजह से हम इसके अंदर DVD राइटर फिट नहीं कर सकते हैं। केबल की क्वालिटी की बात करें तो इस बार केबल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं सारे ही मॉडल्स के अंदर। फैन के लिए RGB LED की पावर के लिए साटा मेल फीमेल कनेक्टर दिया गया है। इसको आप अपनी पावर सप्लाई के साटा कनेक्टर में लगाएंगे तो वो LED अपना वर्क करने लगेगी। और यहाँ पे दो हम इसमें SSD लगा सकते हैं, एक 3.5 इंच की हार्ड डिस्क ऊपर लगा सकते हैं, एक इसमें अंदर भी स्पेस दिया गया है। यहाँ पे भी हम हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा सकते हैं, 3.5 इंच की भी या SSD भी एक लगा सकते हैं। और पीछे की अगर बैक पैनल की बात करें तो इसमें 80mm के एक फैन के लिए स्पेस दिया गया है। टॉप माउंटेड इसकी पावर सप्लाई है और सात एक्सपेंशन स्लॉट दिए गए हैं। साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छा अंदर स्पेस दिया गया है, आप बड़े से बड़ा मदरबोर्ड इसके अंदर फिट कर सकते हैं। ये एक अच्छे बजट में अच्छी गेमिंग कैबिनेट लॉन्च की गई है। और हम इसके फ्रंट पैनल को ओपन करते हैं। फ्रंट पैनल को ओपन करने के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये नीचे की तरफ स्पेस दिया गया होता है, जिससे आप इसको आराम से ऊपर पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फ्रंट पैनल ओपन करने के बाद आप देख ही सकते हैं कि इसमें दो फैन के लिए स्पेस दिया गया है। फ्रंट में आप दो फैन लगा सकते हैं, एक फैन रेयर में लगा सकते हैं, टोटल इसके अंदर तीन फैन लगा सकते हैं। एक यहाँ पे हार्ड डिस्क के लिए भी स्पेस दिया गया, क्योंकि DVD का ऑप्शन ना होने की वजह से इस स्पेस को हार्ड डिस्क के लिए यूज किया गया है। तो ये हमारी इस कैबिनेट की अनबॉक्सिंग थी और इसकी सारे फीचर्स मैंने लगभग लगभग इसमें कवर किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।